ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल की, जो राज्यसभा में भी पास हो गया, उस पर हम बात करें। मनोज यादव हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता, उनका रुख जान लेते हैं। मनोज जी क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का रुख? बीजेपी कह रही है कि ये उनकी मेहनत का नतीजा है, आज वो लेकर आए ताकि ओबीसी को पूरी तरह से सम्मान मिल सके, न्याय मिल सके, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं एक उदाहरण लगातार दे रहा हूं बीजेपी को लेके। आरक्षण और बीजेपी का ठीक वैसा ही रिश्ता है जैसे किसी चिड़िया के बच्चों की रखवाली काले नाग कोबरा को करने को दे दी जाए। बिल्कुल स्पष्ट, इससे बड़ा उदाहरण मेरे ख्याल से दूसरा हो ही नहीं सकता है। क्या बीजेपी की 7.5 साल से ऊपर की सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार और 4.5 साल के उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या पिछड़ों को ध्यान में रखते हुए जितनी उनकी मदद करनी चाहिए थी क्या करी? क्या वैकेंसीज पूरी की? क्या मोदी जी के सेंट्रल में जितने डिपार्टमेंट हैं क्या वहां पे पिछड़ों की, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, क्या उनमें पिछड़ों को हक मिल गया क्या? अगर नहीं मिला तो निश्चित तौर पर रोहित जी, इस बात को हमें और आपको जनता तो समझ ही रही है, पिछड़ा भी समझ रहा है। मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देता हूं। अगर आरक्षण किसको, रोहित सावल को आरक्षण चाहिए या मनोज यादव को आरक्षण चाहिए? आरक्षण चाहिए गरीब तबके को, जैसा बीजेपी हमेशा कहती, दलितों में महादलित ढूंढती, पिछड़ों में अति पिछड़ा ढूंढती है। तो योगी सरकार की, डबल इंजन की सरकार ने आखिर उत्तर प्रदेश में फोर्थ क्लास की नौकरियां क्यों स्टॉप कर दी? सरकार बनती क्यों कर दी भाई? सबसे ज्यादा आरक्षण के वाले लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो महादलित हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनको फोर्थ क्लास की नौकरी कम से कम मिलनी चाहिए थी, जिससे कि उनका जीवन यापन बेहतर हो सके। 2017 में बॉन्ड की गई और ठेका प्रथा पे फोर्थ क्लास की नौकरी दी गई। तो किसको आप नौकरियां देना चाहते हैं? और एक बात सावल जी, जो कोई नहीं बोलता, मैं कह रहा हूं, बीजेपी कह रही है बल्ले बल्ले, ठीक है, लेकिन ये बताइए बीजेपी का एक बड़ा तबका जो है वोट का, बड़ा तबका मींस जिसको 13% 14% आप कैलकुलेट करते हैं, फिर और उसमें लोग आ जाते हैं जो 20% का वोट बैंक है, क्या वो खुश हो जाएगा क्या बीजेपी से? उसकी भी तो नाराजगी बीजेपी को देखनी है। और जो 39 जातियों को उत्तर प्रदेश में लेके आ रहे हैं, वो कौन सी जातियां हैं? स्पष्ट कर दे, वो पिछड़ों की थी पहले से कि अब नई पिछड़े में आ रही है, ये भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना बीजेपी को कि आखिर वो कौन सी जातियां हैं। ये मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, वो बताए ना कि वो बैकवर्ड्स हैं, कि वो अगड़े हैं, कि वो कौन सी हैं। दलितों के तो है नहीं जो पिछड़े बनाए जाएंगे, तो बीजेपी स्पष्ट करे। पिछड़ों को ही पिछड़े की लिस्ट में आरक्षण देने की बात कर रही है, गजब है। अरे भाई, वो तो पिछड़े जो है उसमें वो आई है, और अगर अगड़ों को ला रहे हैं तो आप उनकी लिस्ट क्लियर करिए और अगड़ों को बिल्कुल। तो मनोज यादव साहब, सीधे तौर पर आपने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज जी आपका बहरहाल बात तो चुभेगी, मैं आज इतना ही दीजिए इजाजत, नमस्कार।